हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा आमिर खान स्टारर दंगल के बारे में। वैसे कोई प्रॉपर स्टोरीज के बारे में नहीं बात करूंगा, आज मैं आपके और मेरे जो ओपिनियन है दंगल का उसके बारे में थोड़ी जिक्र करना चाहता हूं। दंगल का ट्रेलर भी धमाकेदार रहा, 3 करोड़ के ऊपर व्यूज आ गए, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे इसके रिएक्शन बने, बहुत सारे लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए और लोगों को ये ट्रेलर सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। इस फिल्म ये जो डिपेंड है आमिर खान की, आमिर खान प्ले कर रहे महावीर सिंह पोघाट का रोल और जिनकी बेटी होती है गीता पोघाट, बबीता कुमारी, दोनों कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करती हैं। एक पेट्रियोटिक फिल्म है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, क्या ये आमिर खान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे भी बात करना तो बनता है, क्योंकि आप ही तो हो जो रिस्पॉन्ड करते हो, सुनते हो और समझते हो, और फिर हमारी बातें हमेशा इसी तरह होती है। हर एक फिल्म पे हम कुछ ना कुछ आई थिंक कोशिश करते हैं बात करने की, अगर वो थोड़ी डिबेटेबल है या कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फिल्म लगती है हमें तो कहीं ना कहीं ये कहीं ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं सवाल की क्या आमिर खान की ये सबसे हाईएस्ट फिल्म बनेगी। मैं आपका जो रिस्पॉन्स है जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अफकोर्स बन सकती है, क्योंकि इसकी स्टोरी पेट्रियोटिक है, बहुत अलग थीम है, बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आमिर खान ने मोटे से पतले हुए सीन्स के लिए, तो बहुत एक 1.5 साल पूरा दे दिया है फिल्म के लिए। और फिल्म में जो एक मिट्टी की खुशबू होती है, जैसे सुल्तान फिल्म में मिट्टी की खुशबू आई थी, तो वो मिट्टी की खुशबू हमें देखने को मिलेगी। और सुल्तान अगर 300 करोड़ कमाती है तो आमिर तो आपको पता ही है। सलमान की आई थिंक टॉप 10 अगर 100 लिस्ट की फिल्म में हमें बात करें, हाँ सबसे ज़्यादा कमाने वाली, तो उसमें सलमान खान की काफ़ी फिल्म है, मतलब 4-5-6 आई थिंक होगी। लेकिन अगर एक दो किसी कोई फिल्म अगर बहुत आगे है तो उसमें आपको पता है धूम 3 है और PK सबसे आगे है। तो आमिर खान कम ही फिल्में करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही करते हैं कि वो बहुत ऊपर जाती है। तो PK तो धमाल कर चुकी है, ऐसा मेरे हिसाब से आई थिंक लगता नहीं कि PK वाला मैजिक क्रिएट होगा, बट इतना ज़रूर है धूम 3 से ज़्यादा अच्छा मैजिक तो क्रिएट होना ही होना है, ये मेरा मानना है। और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दंगल के गाने तो सुने हैं मैंने, ट्रेलर भी बहुत सही है, जहाँ पे उसको रियलाइज होता है महावीर सिंह पोघाट को कि यार हमारी छोरिया भी छोरों से कम है के, तो फील आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पेट्रियोटिक फिल्मों का यही मज़ा होता है कि वो देशभक्ति वाली जो फीलिंग है ना वो आ जाती है लोगों में, और जब ये फीलिंग आ जाती है तो लोग ये फिल्म बहुत पसंद करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ ये फिल्म इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ है, USA, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, UAE, हर जगह ये फिल्म कमाल करने वाली है और बहुत अच्छा इसका बिजनेस होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा है ना, ये सब जगह भी अच्छा एक बिजनेस होगा, इतना मुझे आराम से लगता है। और इस फिल्म की कहानी भी बहुत एकदम सही है, तो देखते हैं इस फिल्म के किस तरह से रिस्पॉन्स आते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे वही सवाल, क्या है फिल्म सबसे ज़्यादा आमिर खान की कमाने वाली फिल्म बनेगी। फिल्म को 1 हफ्ते से कम है, वक्त बचा है, तो आपकी कमेंट्स जल्दी करिएगा। फिल्म के रिलीज से थोड़ा 1 दिन पहले आई थिंक इसके जो भी आपके कमेंट्स होंगे उस पर वापस से हम बात करेंगे और एक अलग से ही वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक देखेंगे किस तरह से आपके कमेंट्स आते हैं इस वीडियो पर, वो बहुत मैटर करता है, ताकि हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सके फिल्म के होने से पहले। और उसके बाद बाकी चीजें तो हम आपको जरूर बताते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना है, कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।